हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रानी की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान आलू गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे गोभी। मैंने यहाँ 500 ग्राम गोभी का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गोभी को लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। गोभी को फ्राई करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ा सा तेल। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। जीरा को चटकते ही इसमें डालेंगे 4 से 5 स्लिट की हुई हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को लगातार चलाते हुए गोल्डन होने तक पकाएंगे। जब तक प्याज हमारा पक रहा है तब तक हम इसके लिए मसाले निकाल लेंगे। एक बाउल में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन मसालों में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से पानी में भिगो के मसाला डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मसाले को मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। प्याज भी हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। आलूओं को मैंने मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लिया है। आलूओं को लगातार चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 से 2.5 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे मसाला जो मैंने पानी में भिगो के रखा था, और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसे लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे मसाले अच्छे से पकेंगे, जलेंगे नहीं। ये हमारे मसाले को पकते 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई गोभी। गोभी को आलू और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक और पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए। पानी को भी हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन से ढक के 5 से 6 मिनट तक और पकने देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर। मैं यहाँ टमाटर काट के यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। टमाटर को सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन से ढक के 1 से 1.5 मिनट तक और पकने देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार आलू और गोभी को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से पके हैं कि नहीं। ये हमारा आलू गोभी अच्छे से पक चुका है। अगर आपके आलू गोभी अच्छा है तो आप थोड़ी देर और पका लें। ये हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और बहुत सारा धनिया पत्ता। इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से सब्जी में मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी आलू गोभी की सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्जी को एक बार अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।